अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत कियानी और इस वक्त हम मौजूद हैं DHA वैली इस्लामाबाद सेक्टर ओलेंडर में। हम मौजूद हैं और आज हमने विज़िट करना है सेक्टर मैग्नोलिया का। इस वक्त हम सेक्टर ओलेंडर में, सामने जो आपको कुछ इलाका डेवलप दिखाई दे रहा है सेक्टर ओलेंडर का, और अब यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर मैग्नोलिया की तरफ। इस वक्त हम सेक्टर मैग्नोलिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सेक्टर मैग्नोलिया की तरफ ये जो बुलेवार्ड है, ये सेक्टर मैग्नोलिया की तरफ जा रही है। इस जगह से राइट साइड पे सेक्टर ओलेंडर है और लेफ्ट साइड पे आगे चल के सेक्टर बुगनविला है। इस वक्त हम इस मेन बुलेवार्ड को सेक्टर मैग्नोलिया की मेन बुलेवार्ड कहते हैं। फ्यूचर में इसका नाम क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा बोर्ड लगेगा, किस नाम से लगेगा, ये किस सेक्टर का मेन बुलेवार्ड होगा, इसे ओलेंडर बुलेवार्ड कहा जाएगा या मैग्नोलिया कहा जाएगा, इन दोनों में से किसी एक का नाम दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त हम इसे सेक्टर मैग्नोलिया का मेन बुलेवार्ड बोलते हैं। हमारी लेफ्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं सेक्टर बुगनविला का इलाका, जहाँ पर डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है। इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल भी है, 4 मरला और 8 मरला। इस वक्त DHA वैली में डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ इस वक्त चल रहा है। इस वक्त हम सेक्टर मैग्नोलिया के मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये जो चौक बनता है, यहाँ पे पहुँचे हैं। ये जो मेन बुलेवार्ड आपको दिखाई दे रही है, इस मेन बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड पे सेक्टर बुगनविला और राइट पे सेक्टर मैग्नोलिया, ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है सामने, ये सेक्टर बुगनविला का है। सामने सेक्टर मैग्नोलिया इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन बुलेवार्ड जो आपको दिखाई दे रही है, ये सेक्टर रोज़ की तरफ चली जाती है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर मैग्नोलिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा सेक्टर बुगनविला और मैग्नोलिया के इन बिटवीन, तो इसके जो गार्डर वगैरह हैं ब्रिज के लिए जो तैयार किए जा रहे हैं, ये यहाँ पे तैयार हैं और अब इसके कॉलम पे काम हो रहा है। कॉलम जब ज़मीन से निकलेंगे, और ये भी मुमकिन है कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त हम सेक्टर मैग्नोलिया की मेन बुलेवार्ड के ऊपर, राइट पे सेक्टर मैग्नोलिया, लेफ्ट पे सेक्टर बुगनविला, और हम जाएंगे सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर, जाते हैं आपको अंदर वाली साइड सेक्टर मैग्नोलिया की दिखाते हैं कि ये एरिया काफ़ी टाइम से तकरीबन सेक्टर मैग्नोलिया का 80% डेवलप है। ये जो आप देख रहे थे लेफ्ट पे, इसके सामने सेक्टर बुगनविला है। सेक्टर मैग्नोलिया की
जो सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर सेंटर में मैन बुलेवार्ड बनती है, हम इसके ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। इसके ऊपर कमर्शियल हैं, 4 मरला और 8 मरला। आप देख सकते हैं सेक्टर मैग्नोलिया इस वक्त तकरीबन 80% मकम्मल डेवलप। इस मैन बुलेवार्ड के ऊपर जो कमर्शियल है, यहाँ पे जो बैलेट हुआ है, उस बैलेट के कमर्शियल सेक्टर मैग्नोलिया में जो कुछ कमर्शियल इस बुलेवार्ड के ऊपर भी है, जो तकरीबन 100% तैयार कमर्शियल है, 4 मरला और 8 मरला। दोनों साइड पे सर्विस रोड, इस वक्त हम सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर आ चुके हैं। प्रॉपर इसके सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्टर मैग्नोलिया काफ़ी टाइम से, पिछले तकरीबन 6-7 साल से, इसका 80% एरिया मुकम्मल तौर पे डेवलप है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है और इलेक्ट्रिक बॉक्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। लोकेशन इंतहाई शानदार है सेक्टर मैग्नोलिया की। ये DHA वैली के तकरीबन सेंटर में वाक़िया है और इसका कुछ हिस्सा जो टॉप हाइट के ऊपर है, इस वक्त हमारी बैक साइड पे वो बनता है, वहाँ से डैम का व्यू भी होगा। मिनिमम 40 फीट रोड और इससे बड़ी 60 फीट, 120 फीट की मैन बुलेवार्ड 80 फीट की भी है DHA वैली के अंदर। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, सेक्टर रोज़ की जो मेन बुलेवार्ड है उस तरफ हम बाहर निकलते हैं। व्यूवर्स, अगर आप DHA वैली में अपना को प्लॉट सेल या परचेज़ करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह।